हाँ जी, स्वागत है जी आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज है जी हमारा दिवाली गिफ्ट अनबॉक्सिंग का एपिसोड 2 और आज हम ओपन करने वाले कैडबरी के 2 बॉक्सेस और एक है जी लोकल वेंडर चॉकलेट का, वो हमने मंगवाया जी अमेज़न से। ठीक है जी, आपको तीनों का अमाउंट बताएंगे जी और साथ के साथ ही जो है ना क्वांटिटी दिखाएंगे कि किस अमाउंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है और आपने कमेंट करके बताना कि तीनों में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। लास्ट वीडियो कई लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, एक दो लोगों को लगा कि हाँ भाई फूड वाली वीडियो आनी चाहिए, वो भी आएगी भाई, टाइम के हिसाब से चलना चाहिए ना। फेस्टिव सीजन चल रहा तो हमें लगता है कि ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। आ जाओ, आज जी हमारे पास इस वीडियो में 3 पैकेट है जी और सबसे पहले शुरुआत में करने लगा हूं जी सबसे महंगे वाले पैकेट से जो हमने मंगवाया है जी अमेज़न से। जरा इसका प्राइस है जी 399 रुपए। बस इसकी एक चीज जो हमें अच्छी लग रही है ना वो ये है कि भाई ये चॉकलेट ही है, प्रेजेंटेशन जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी है, फ्रेम यूज कर रखा है, बाकी इसको थोड़ा सा क्रैकर टाइप लुक दे रखी है तो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल बना रखा है। बाकी जी इसको ओपन करके देखते हैं जी किस तरीके से, जरा टेपे वेपे हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वो कस्टमाइज चॉकलेट है जो लोग घर से बैठ के बेच रहे होते हैं अलग अलग मोल्ड वगैरह यूज करके। देखो इन्होंने थोड़ा सा क्रैकर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अमेज़न में इस तरीके के बहुत सारे सेलर हैं, हमें चीज दिखने में अच्छी लग रही थी तो हमने मंगवा ली जी। अब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है ये आप लोग डिसाइड करना। इसका हमने अमाउंट जो पे किया जी वो है जी 399 रुपीज। तो फटाफट इसको पहले एक बार ओपन कर लो। देखो जी फ्रेम जो है ना वो तो बहुत कमाल का है, अब बाद में पता चलेगा कि ये काम आएगा कि नहीं आएगा, वैसे मुझे लगता नहीं है। हाँ आ भी सकता है, ग्लास हो तो फोटो फ्रेम बन सकता है, लेकिन ग्लास इसके अंदर है नहीं जी। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं जी। मेन जो हमारे पास है जी, एक तो लड़ी आई है जी और इसके ऊपर डिजाइन लड़ी का दे दिया है, इसके अंदर चॉकलेट ही, वो हम बाद में खोलेंगे। एक सुतली बम है जी, फिरकरी जो चक्री सी जो जमीन पे चलती है, ये बिजली बम दिया है। हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब शेप उस तरह की देने की शुरू करी कोशिश करी गई है। तो एक जो है ना जी आपको जरा फटाफट खोल के दिखाई देता हूँ किस तरीके का है। 399, मैं सही बताऊं कई लोगों को और मुझे तो अपना पर्सनली जो लग रहा है ना पंकज वो ये तो एक्सपेंसिव है ना। और बाकी अब देखेंगे चॉकलेट की क्वालिटी अंदर से कितनी बढ़िया। देखो डार्क चॉकलेट को ना ये मोल्ड वगैरह ले आते हैं डिजाइन वगैरह बनाने के लिए मेल्ट करके, तो ये कुछ उस तरीके का है। अब जिनको तो लग रहा है जी ठीक है, कुछ बच्चों को अलग सा, अमाउंट का मेन मुद्दा अमाउंट का नहीं है, मेन खेल है प्राइस मैटर नहीं करता, थोड़ा सा फैंसी चीज देनी है बच्चों के खुश हो जाए। हाँ तो उनके लिए चीज उनके लिए अच्छी चीज है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है जी, तो यही सब चॉकलेट ही निकलेगी डार्क चॉकलेट। एक और खोल के देख लेते हैं कि उसके अंदर से भी कुछ ऐसे ही सेम निकलता है या थोड़ा सा कुछ डिफरेंट निकलता है। अगर तो देख चॉकलेट अंदर से अलग है। हाँ ये थोड़ी सी अलग है पंकज, इसकी जो क्वालिटी लग रही है ना थोड़ा सा डार्कनेस जो है चॉकलेट की वो थोड़ी सी लाइट है और अंदर भाई इन्होंने बोला क्या कि वो ये सिंगल मोल्ड आता है ना। हाँ अंदर वो आलमंड वगैरह चीजें सेम यार वही है पंकज, बहुत लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जी। अब इंस्टा वगैरह में भी कई लोग भरा पड़ा है। 499 मेरे हिसाब से तो भाई वर्थ नहीं है, बाकी अगर जिनको लगता है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है अमेज़न का, जाके आप खरीद सकते हो जी। सेकंड है जी हमारे पास कैडबरी का ये चॉकलेट का बॉक्स, जिसकी MRP अगर आप देखोगे ना तो ये है जी तकरीबन 250 रुपए, तकरीबन क्या फिक्स 250 रुपए है, लेकिन हमें मिला है जी 187 रुपीज का जी। तो अब इसको जो है ना ओपन करते हैं और कुछ पढ़ाने वाला है, लिखा तो भाई देखो बहुत कुछ हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन मैं सही बताऊं तो ये जो है ना मतलब किसी को कहीं पे थोड़ा सा डिस्काउंट अगर कम भी मिलेगा 200-225 रुपए में ये बॉक्स आपको मिल सकता है। आपके एरिया में कई स्टोर वाले तो 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं देते ब्रांड वाली चीजों पे, बिल्कुल बिल्कुल MRP में बेच देते हैं। ये हमें हमारे यहाँ से जी पास में जो शॉप थी जी उन्होंने डिस्काउंट दे के हमें दे दिया है। ठीक है, और ये कुछ आपका इस तरीके से निकलेगा जी, ताम झाम सारा का सारा हिल डुल गया है, मैं इसको फटाफट सेट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स ये निकलेगा, तो अच्छा रहा भाई। मैं सही बताऊं तो ये काफी अच्छा लग रहा है, ये किसी बच्चे को देने के लिए ना बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो 3 चीजें हैं, एक डेरी मिल्क की चॉकलेट है, 5-स्टार है और जेम्स है और डेरी मिल्क की छोटी वाली भी दे रखी है। ज्यादा सारी है डेरी मिल्क। हाँ काफी सारी है यार, देख रहे ना यहाँ पर भी देख, हर उसमें आई थिंक 2-2 पीस तो है, 2 पीस इसमें है, 2 पीस इसमें है और सारी मेरे ख्याल से है तो एक डेरी मिल्क हो गई, 3 5-स्टार हो गई, 2 5-स्टार, 3 5-स्टार छोटी है जी, 3 नहीं है भाई, 4 छोटी हैं और 4 बड़ी हैं,
ठीक है, तो भाई काफी सारा माल निकल गया इसमें तो। अब आप हिसाब लगा लेना मतलब पैकेजिंग के इसमें है भी, मेरे को तो लग रहा है पूरी चॉकलेट दे दी पैकेजिंग की, शायद चार्ज शायद नहीं हो, होगा लेकिन तो थोड़ा बहुत ही होगा। हाँ मतलब ये देखो यार पैकेजिंग चार्ज मुझे लगता है कि वो लेंगे लेंगे चार पीस। हाँ और आई थिंक ये 10-10 रुपए वाली आजकल होगी, है 10 की 5 की है, 5 पता नहीं वो आप लोग देख लेना जी। बाकी मेरे को बॉक्स में सही बताऊं तो ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी बात पता है क्या इसकी लग रही है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है। आप कुछ इस तरीके से जो है ना किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, आपको इसको अलग से ऊपर रैप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अच्छा ब्रांड ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड है भाई ये, मेरे को मैं सही बताऊं तो वैल्यू फॉर मनी लग रहा है भाई। इससे सस्ते वाला भी है आपको, अब वो वाला बॉक्स जो है ना वो दिखाते हैं। इससे सस्ता है हमारे पास कैडबरी का ही जी। कमेंट जरूर कर देना कि तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा। ये 105 रुपए का आया है जी, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि भाई 105 रुपए में ये क्या दे रहे हैं। लो जी ये चेक कर लो जी, 105 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा इसके अंदर टॉफीज वगैरह है, तूने बताया तो था कि इसके अंदर टॉफी है। तो भाई ये तो है जी कैडबरी इक्लेयर्स गोल्ड का पैकेट है एक, और दो पैकेट है ये। हाँ दो पैकेट हैं, तो ये भी यार 105 रुपए में पंकज मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा है। और ये कॉफी वाली है, और ये कॉफी वाली है जी, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, अच्छा वो मेरे बॉक्स का पीछे मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था 51 टॉफीज के करीब कुछ है इसमें, तो मतलब तकरीबन अगर मेरे ख्याल से इक्लेयर आज की तारीख में 2 रुपए की बिकती है, तो 51 टोटल है यहाँ एक पैकेट के अंदर है। पीछे यहाँ पे लिखा हुआ था क्वान्टिटी यूनिट 51, ठीक है टोटल जो है वो आपको 51 मिलेंगे। तो उन्होंने जो 100 रुपए ले रहे हैं आपको उतने का ही माल जो है ना तकरीबन दे दिया है। आपको क्या लगता है भाई ये तीनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी ज्यादा आपको लग रहा है, प्लीज ये आप हमें कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ना वीडियो शेयर कर देना, कुछ अलग चीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बाकी ये वाली चॉकलेट ना वेदांत ने भी टेस्ट करी थी, वो कह रहा है कि अच्छी है, तो हम भी एक बार जरा ना इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें तो हमने टेस्ट कर रखी है, बस दो चीजें, एक तो ये हमारे लिए ब्रांड नया है और एक गोल्ड कॉफी। गोल्ड कॉफी तो ये देख रहे हो भाई, ये थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ये चक्री की शेप में जो है ना चॉकलेट बना रखी है। अब वेदांत ने टेस्ट करी थी, वो हमारे साथ बैठा हुआ, वो कह रहा है कि बहुत टेस्टी है, बच्चे को अच्छी लग रही है। तो भाई हम भी जो है ना टेस्ट करके आपको बता ही देते कि टेस्ट कैसा है। भाई एक बात तो है कि स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है, स्वाद तो अच्छा है, और इसमें ना वो क्रैकर टाइप के जो आई है ना आजकल क्रैकर वाली भी जो आ रही है चॉकलेट, उस टाइप के इसके अंदर वो डली हुई है। इसमें भी ना क्रैकर टाइप का कुछ डला हुआ है, इसमें सिल्वर वाली जो छोटी छोटी जो कैंडी वाली जो बॉल होती है छोटी छोटी सी वो है, और उसके ऊपर ना इलायची और पान का फ्लेवर है। अल्टीमेट भाई ये मजा आ गया। देखो महंगी तो जरूर है, इसी वजह से ना टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी का भी कुछ फर्क है कि नहीं है, तो क्वालिटी का तो फर्क है, नॉर्मल वो नहीं है कि जो डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया और मोल्ड में डाल के दे दिया, काम कर रखा है, काम कर रखा है जी। और ये वाली जो है ना टॉफी, ये कौन सी थी, कॉफी वाली, कॉफी वाली ये हमने ट्राई नहीं कर रखी है, तो एक जरा इसको भी ट्राई करते हैं। भाई देखो फूड का चैनल है, खा कर नहीं बताएंगे तो भाई फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। टेस्ट करते हैं इसको। ओहो अच्छा ये ना इन्होंने पूरी की पूरी ना उसकी नकल कर दी, वो नहीं आती एल्पेनलीबे कॉफी वाली, उसमें भी कॉफी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसमें भी भाई कॉफी का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, मजा आ गया, टेस्ट तो स्वाद है भाई। बाकी जी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है, अभी इसका पार्ट 3 भी बनाने की कोशिश करेंगे, 4 भी बनाएंगे, शायद पार्ट 5 भी आएगा। बाकी भी आप देखो यूनिक चीजें लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आपका काम भी है करने का। वीडियो देख लिया करो यार, पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा व्यू नहीं आया, एटलीस्ट 10,000-12,000-15,000 व्यू आ जा रहा, हमारा जो पैसा लग रहा है वो तो वो कवर हो जाए, हमारे लिए वो ही काफी है जी। बाकी इस वीडियो को दोस्तों ये पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए बाय बाय।